morning students, how are you? I hope you all are fine and doing your study well. Yes, in previous video we have done grammar of chapter 3 in English grammar book. Okay, today we will try to complete this chapter. Okay, look at your book, page number 21. Okay, there is given question: fill in the blanks with suitable words. यहाँ कुछ अनकाउंटेबल नाउन दिए हुए हैं, ठीक है? इस अनकाउंटेबल नाउन को यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उससे हमको इसको फिल अप करना है, ठीक है? A dash of ketchup. तो कौन सा वर्ड उसमें सुटेबल होगा, उसको हमको इसमें लिखना है, ठीक है? A jar of ketchup. Okay? And next, dash of rice. A bag of rice. Okay? A dash of mayonnaise. Dash of mayonnaise. Box. Box of mayonnaise. Mayonnaise, one type of sauce. Sauce like chutney, the of that is called mayonnaise. Okay. Next, a dash of sugar cube. Here, what will be? Brown. So, sugar cube ko tukde mein bhi is may be dekhte hain, theek hai? A dash of milk. Bottle, all of you know. A dash of cheese, packet of cheese. A dash of cereal, a box of cereal. Okay, and dash of chips is carton of chips. Okay, ये क्वेश्चन नंबर 3 है. A number, देखिए. And next है A number देखिए. Use much, maybe, little, any, or some to fill in the blanks. ये सबसे हमको much, maybe, और ये सबसे हमको ये fill in the blanks पूरा करना है, ठीक है? Much हम लोग use करते हैं. Uncountable noun, quantity बताने के लिए, uncountable noun के लिए हम much use करते हैं, ठीक है? Maybe, many use हम करते हैं countable noun के लिए, जिसको हम count कर सकते हैं, ठीक है? Little we have uncountable noun के लिए use any हम use करते हैं question. Question जहाँ पूछ रहा है जैसे कि is there that rice that in the world? Negative question के लिए या interrogative के लिए हम any use करते हैं. Some countable और uncountable दोनों के लिए use हम कर सकते हैं some. Okay? तो देखिए हम किस तरह से इसको fill up करेंगे. How that does that should cost? Okay? How much? Okay, is there that size that in the bowl? Is there question? देखिए question पूछ रहे हैं any. Okay, I had money. I had some money left in my pocket. The car needs much. Uncountable noun के साथ much, petrol, much quantity बताने के लिए much use करते हैं. There is very little water. Okay? Left in the tank. How much times? Kitni baar? How much time should we remind? Okay? How much times should we remind? Here is question mark. Okay? Kitni baar? Hum logo tumhe yaad remind karna chahiye. There was some food left after the party. Okay? And next question. Next question is, look at your book. Next question, look at your book. Next, देखिए आपको मैं बता दूं पहले कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है? उस रूल्स को आपको समझना होगा, ठीक है? अगर आप समझ जाएंगे तो फिर उससे रिलेटेड आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व इजीली कर लेंगे, ठीक है? वी ए एस टू मोस्ट वर्ड्स दैट बिगिन विद कंसोनेंट. वैसे वर्ड जो कंसोनेंट से एंड होते हैं, जैसे देखिए एच टी एन बी ओ वाई बी ओ डबल ठीक है,
अब देखिए ये सारे ए हुए कंसोनेंट से, ठीक है, तो इसको हम सिर्फ प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस यूज करते हैं, ठीक है। सारे कंसोनेंट से ए हुए हैं और सारे को हैव टू यूज ओनली एस टू मेक प्लूरल, ओके। नेक्स्ट अगर ओ
देख करके रूलर बनाते हैं, ठीक है। कुछ वर्ड इसमें ऐसे हैं देखिए, जैसे पी आई ए एन ओ, इसके पहले कंसोनेंट है, ठीक है, पी एच ओ टी ओ, इसके भी पहले कंसोनेंट है, लेकिन इसमें हम सिर्फ कुछ एक्सेप्शन में है ऐसे वर्ड्स जिसमें रूलर बनाने के लिए हम सिर्फ एस यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हम आई एस यूज नहीं करेंगे, इसमें भी एस यूज करेंगे, जबकि इसके पहले कंसोनेंट है, फिर भी इसमें हम कुछ इसमें एक्सेप्शन में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम सिर्फ एस करके उसको रूलर बनाते हैं। अब जिसके देखिए, अब अगर कंसोनेंट कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके स्पेलिंग को हम चेंज करते हैं पूरा बनाने के लिए, उसमें ऐसे
ठीक है। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम होते हैं, दोनों में आपको सिर्फ यूज करना है, उसमें भी एस ए ई एस यूज नहीं करते हैं, जैसे डियर, सिक, कैटल, ठीक है। वो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको जिसका सिंगुलर प्लूरल सेम होता है, फिश हुआ, हेयर है, लगेज है, ये सब सिंगुलर प्लूरल सेम है, वो चेंजिंग इसमें नहीं होता है। अब देखिए कुछ दिए हुए हैं आपके, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप यहाँ बना लीजिएगा, फोटो बनाना है उसमें बता दी हूँ, ये आप बना लीजिएगा होमवर्क में किसी, ठीक है। एक मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ दिया हुआ देखिए क्वेश्चन, देखिए पी नंबर डिराइव फॉलोइंग सेंटेंस इन द सिंगुलर फॉर्म, अगर प्लूरल दिया हुआ है तो सिंगुलर फॉर्म में आपको चेंज करके बनाना है। एक मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद से आप बनाएंगे, ठीक है। The children brought the horses. Okay. अब यहाँ आपको सिंगुलर यूज करना है, सिंगुलर फॉर्म यूज करना है। The child. The child. जेंडर फोर टाइप्स होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। पुरुष आप लोग बोलते हैं जैसे हिंदी में मेल, मेल जाति का बोध होता है, फीमेल, कॉमन में दोनों मेल एंड फीमेल दोनों, एंड न्यूट्रल दाने व्यक्ति के लिए यूज होता है। जैसे मैस्कुलिन में आपको हो गया बॉय, हॉर्स,
यहाँ आपको बताना है कि कौन सा जेंडर है वो बताना है। सन सन आपका न्यूट्रल हो गया, ठीक है, न्यूट्रल है। बॉय मैस्कुलिन, लॉर्ड मैस्कुलिन, डॉक्टर कॉमन, बिच फैमिली बेट कॉमन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें बताएंगे कि कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है, कौन मैस्कुलिन है और कौन फैमिली है, कौन न्यूट्रल कॉमन है, वो आपको बताना है, ठीक है। ये आप बोलेंगे changing the gender of the highlighted noun। यहाँ पे देखिए noun दिया हुआ है, एक मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से करना है, फिर आप next खुद से कर लेंगे। The father faced his son। अभी यहाँ से आपको gender change करना है, ठीक है? Gender change करके नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है।